Students, now we are going to start the work on countdown book 2. So let's start our new page, page number 38. Look at page 38. We will do page 38, 39 today, and one page after this I will give you for homework, page number 40. So first of all, you will write date 30/6/2020, classwork, and day is Tuesday, T-U-E-S-D-A-Y day. Addition, converting tens and hundreds. See what happens when Adil adds one more block to 999 block. ठीक है, एक more number add करना है 999 में. Simply मैं इतना लंबे procedure में नहीं जा रही. Direct हम last वाले इस वाले column में आ जाते हैं. देख लें, इन्होंने one one step करके दिखाया है. ठीक है, हम direct यहाँ देखते हैं. इसको देखें, 9 में 1 plus करें तो 10 आ जाता है. ठीक है, तो 10, sorry ये नहीं, ये वाला है. 9 में 1 plus करें, इनका first step ये है, इस तरह लिखा, फिर second में ये है, इन्होंने एक ऐड किया, फिर थर्ड स्टेप ये और फोर्थ लिया. हम लोग ऑलरेडी फोर पे ही जाके देखते हैं डायरेक्टली, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. ठीक है, 9 में 1 प्लस किया, 9 प्लस 1 10, 0 यहाँ आया, 1 कैरी चला गया. ठीक है, जब 1 कैरी जाता है एडिशन में, दो नंबर्स आ जाएँ, दो डिजिट्स आ जाएँ, तो राइट नंबर नीचे लिखते हैं और लेफ्ट कैरी जाता है. 10 आया तो 10 का राइट नंबर 0 हमने नीचे लिख दिया और 1 कैरी चला गया. ठीक है, अब 9 प्लस 1 करें, अगेन 10 आया, फिर 1 कैरी चला गया, 9 प्लस 1 10 आ गया. आप 10 पूरा लिख दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट और कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर ये कैरी जाए. ठीक है, ध्यान से आप लोग ये वीडियो देखिएगा और इस क्वेश्चन के ध्यान से सुनना है कि आपने क्या ऐड किया और कैसे ऐड किया. ठीक है, 999 में 1 प्लस किया तो 1000 बन गया. इसी तरह रिमेंबर, 9 प्लस 1 10, 99 प्लस 1 100, 999 प्लस 1 1000. ठीक है, ये आपने तीनों स्टेप्स याद रखने हैं के प्लस करने के बाद इनमें 1 ऐड करें तो 2 डिजिट्स नेक्स्ट वाला डिजिट चेंज हो जाता है. अब सिंगल डिजिट में 1 ऐड किया है तो 2 बन गए, डबल डिजिट में 1 ऐड किया तो 3 डिजिट्स बन गए, ट्रिपल डिजिट में 1 ऐड किया है तो 4 डिजिट बन गए. राइट, 9 प्लस 1 10, 99 प्लस 1 100, 999 प्लस 1 1000. सो कम टू द नेक्स्ट पेज, नाउ पेज नंबर इज 39. अगेन यू विल राइट डेट 30/6/2020, क्लास वर्क एंड डे इज ट्यूजडे. थिंक एंड सॉल्व, ईच चाइल्ड स्कोर इज द टोटल ऑफ नंबर्स गिवन बाय द टू शीट्स दे होल्ड. अच्छा, अब दो शीट्स हर बच्चे ने उठाई हुई हैं और ये स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इनके स्कोर है. ठीक है, आप ये भी सोच सकते हैं अगर मार्क्स इनके सोच सकते हैं. ठीक है, या कोई गेम का स्कोर सोच सकते हैं. हमने इनके स्कोर ऑलरेडी टोटल कर लिए. आमिर के कितने हैं, 24 + 23, 24 में 23 ऐड किया तो 47 आमिर का स्कोर बनता है. ठीक है, आमिर का कितना स्कोर है, 47. हमारा नेक्स्ट है आलिया का स्कोर, 45 + 25, आई हैव एडेड हियर, मैंने सम बना लिया, आपने भी ऐसे सम खुद बनाना है. ठीक है, 70 बनता है तो आलिया के सामने हम लिख देते हैं 70. नेक्स्ट इज 50 + 23, मजीद, मजीद का स्कोर कितना बन रहा है, 50 को 23 को ऐड किया तो 73 मार्क उसके स्कोर बन रहे हैं. नाउ वी विल रीड दीज पार्ट्स ए टू एफ एंड विद द हेल्प ऑफ दीज मार्क्स वी विल गेट द आंसर्स. विच चाइल्ड हैज़ द लोएस्ट स्कोर, सबसे कम किसका है, 47 सबसे कम है, 70 और 73 है तो 47 किसका है, आमिर. सो आई हैव रिटन द नेम ऑफ आमिर हियर, आमिर. विच चाइल्ड हैज़ द हाइस्ट स्कोर, सबसे ज़्यादा किसका है, मजीद का है 73, तो है मैंने मजीद का नाम लिख दिया क्योंकि उन्होंने चाइल्ड की बात की. ठीक है, ये देखें चाइल्ड के किस बच्चे की लोएस्ट स्कोर है वो है आमिर, किस बच्चे के हाइस्ट स्कोर है वो है मजीद. ठीक है, नेक्स्ट में देखें हु स्कोर इज़ नियरेस्ट टू मजीद, किसका स्कोर है मजीद के नियरेस्ट. अब मजीद के नियरेस्ट आलिया का स्कोर है, 70 के करीब है ना, 73 के, 47 तो काफ़ी पीछे है, तो हम यहाँ पे आलिया लिख देंगे. ठीक है, ALIYA. डी आमिर इज़ शॉर्ट ऑफ 50 मार्क्स बाय डैश, आमिर के टोटल 47 है तो 50 तक पहुंचने में उसके कितने मार्क्स लेस है. ठीक है, अब वो कितने शॉर्ट हैं, शॉर्ट मतलब कितने कम है उसके, 47 के बाद जाएं 50 तक, 48, 49, 50, तो 3 टाइम्स और आगे जाना चाहिए, तो 50 मार्क्स बाय 3, तो 3 स्कोर अब उसको और करना है. ई पार्ट, व्हाट इज़ आलिया स्कोर, आलिया का क्या स्कोर है. ठीक है, आलिया का 70 स्कोर है, उन्होंने अब आलिया का स्कोर पूछा ना. ठीक है, तो हमने स्कोर लिख दिया 70. व्हाट इज़ द टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय आमिर, आलिया एंड मजीद, तो तीनों को हमने ऐड कर लिया, 70 मजीद का, आलिया का 73 मजीद, 70 आलिया एंड 47 आमिर, तीनों को ऐड अप करें, 7 + 3 = 10, 0 1 कैरी,
7 and 7 14 प्लस 1 15, फिर 4 और ऐड करें 16 17 18 19, ठीक है 19 हो गए. तो 190 इज़ द टोटल स्कोर दे गॉट, दिस थ्री स्टूडेंट्स गॉट, राइट. क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव 37 मार्बल्स, मेरे पास इतने मार्बल्स हैं एंड सीमा हैज़ 26 मार्बल्स, सीमा के पास इतने हैं. दो बातें आपको पता चल गई हैं कि आपके पास इतने मार्बल्स हैं और सीमा के पास 26 है. ए पार्ट, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर मार्बल्स हैव आई देन सीमा, सीमा से मेरे कितने ज़्यादा है, मेरे ज़्यादा है तो मैंने सीमा के मेरे अपने मार्बल्स में से माइनस कर देने. 37 माइनस 26, 7 में से 6 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 6 कट कर देंगे तो 1 बचेगा और 3 में से 2 कट करेंगे 1 बचेगा, 11 मार्बल्स. सो आई हैव 11 मोर मार्बल्स देन सीमा. हाउ मेनी डू वी हैव ऑल टुगेदर, कि हमारे मिला के कितने हैं. तो 37 और 26 को हमने प्लस कर लिया, 37 26, 7 प्लस 6 13, 3 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 एंड 1 6, 6 63 इज़ द टोटल, ठीक है दोनों का मिला के 63 मार्बल्स बन गए, राइट. हाउ मेनी मोर डू वी नीड टू मेक द 100, तो 100 बनाने में कितने और हमें चाहिए होंगे. हमने क्या किया कि यहाँ 100 लिखा, ठीक है, और उसमें से 63 को कट कर लिया, ठीक है, जीरो में से नहीं हो सकता, फिर सात वाले से भी नहीं ले सकते. तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप 1 से जो बोरो करेंगे, ठीक है, यहाँ हमने 1 को काटा, यहाँ 0 बचा, यहाँ पर 10 बना, इसको कट किया, यहाँ 1 दे दिया, तो ये 9 रह गया, यहाँ आ गया 10. सो 10 में से 6 गए 3 गए 7, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ 0 था उसको नीचे लाने की ज़रूरत है, 37. तो कितने ज़रूरत है आपको, 37 और मार्बल ज़रूरत है 100 कम्प्लीट करने, राइट. साथ साथ आपने ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सम्स बनाने हैं जैसे मैंने बनाए. नाउ थ्री पार्ट, 12 गोल्ड फिश वर टेकन फ्रॉम अ फिश टैंक टू बी सोल्ड एट द शॉप. अच्छा, एक फिश टैंक है, उसमें से कुछ फिश, उसमें काफ़ी सारी फिश है, उसमें से 12 फिश निकाल ली गई. कितनी, 12, 12 कितनी निकाल गई, 12 निकाल ली. दिस लेफ्ट 14 फिश इन द टैंक, तो फिर पीछे जो बच गई वो 14 थी, ठीक है, जो रिमेनिंग फिश पीछे रह गई फिश टैंक में 14 थी, 12 निकाल ली गई. हाउ मेनी फिश वर देयर टू स्टार्ट विद, तो शुरू में उनके पास फिश टैंक में कितनी टोटल फिश थी. 14 प्लस 12 कर लेंगे, 14 प्लस 12 करेंगे 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 26 वर एट द स्टार्ट इन द टैंक, ठीक है. फिश टैंक में कितनी फिशेस थी, 26 थी टोटल. कम टू द नेक्स्ट पेज, नाउ दिस पेज इज फॉर होमवर्क, आपने एडिशन करनी है खुद से सॉल्व. एडिशन कन्वर्टिंग 10s and 1, कंप्लीट इज कन्वर्टिंग वेयर नेसेसरी. मैं एक दो आपको करके बताती हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लें. 6 और 4 10 होते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 है, और 4 और काउंट करते हैं 1 2 3 4, टोटल मिला के बैक जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 नंबर है, 0 यहाँ आया, 1 कैरी लिख लिया, ठीक है. 9 प्लस 1 10 और 6 16, 6 1 कैरी आ गया, तो 1 कैरी तो नहीं जाएगा. अब आपने इस 1 को यहाँ नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने यहाँ लिख लेना है, ठीक है. जब आगे कोई नंबर ना हो तो कैरी जाने की ज़रूरत नहीं है. अब इसी तरह ये अब ट्रिपल डिजिट्स में जाके देखते हैं, 5 प्लस 5, बाकी आप ये खुद करेंगे. 10 0 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 होते हैं, अभी आप लोगों ने काउंट किया है. 10 प्लस 1 11, 1 यहाँ आया, 1 कैरी चला गया. इस 1 को इस 1 कैरी को प्लस करेंगे, 1 और 1 2, 210 इज़ द आंसर. तो आपने डबल कैरीज भी देख लेने हैं कि डबल कैरीज दोबारा नंबर में कैसे जाएंगे. जब नंबर बड़े होते हैं तो कैरी डबल हो जाता है. I hope you understand these three pages. Now you will do page number 38, 39 and 40 by yourself at the on the books. और कोई confusion होती है तो आप इजीली मुझसे WhatsApp पे पूछ सकते हैं, और मैं आपको पेज नंबर की पिक्चर इसलिए सेंड नहीं करती क्योंकि अगर मैं पिक्चर सेंड करूँगी तो आप फिर देख के सारा कुछ बच्चे उतार लेंगे, ठीक है. तो आपने इसको सॉल्व करके वीडियो के साथ टैली करना है, ठीक है. अगर पिक्चर ज़रूरी है तो मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है. बहरहाल आपने क्वेश्चंस जो उनसे हैं वो सारे खुद सॉल्व करने हैं, जस्ट वीडियो से हेल्प लेनी है समझने की. और कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो, ठीक है. मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा उसकी पिक्चर लेके उसको सर्कल मार्क करें, और फिर मुझसे वॉइस मैसेज में आप पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है या क्या कन्फ्यूज़न है, ठीक है. तो आपने ज़रूर क्वेश्चनिंग पूछनी है. So this was our today's work. We will start inshallah a new unit in the next lecture. So till then, Allah Hafiz.